हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों ये जो लड़की बैठी है मेरे पास, इनका नाम है निधि। निधि, और इनकी प्रॉब्लम ये है, इन्होंने कोई ऑनलाइन जॉब सर्च की थी तो वहाँ से जिनसे इनका कॉन्टैक्ट हुआ उन्होंने डिपॉजिट करके कुछ झूठ वगैरह बोल के इनसे इनके पैसे लूट लिए हैं 70,000 रुपये, और अभी 1,00,000 रुपये की और डिमांड कर रहा है। इनको जॉब की ज़रूरत थी तो इनसे पूछते हैं कि कैसे सारी चीज़ हुई, क्यों इन्होंने ऑनलाइन कॉन्टैक्ट किया। तो एक बार निधि आप हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने ये सारी चीज़ें जो हुई आपके साथ एक बार वो बता दें। हाँ जी, एक्चुअली घर में कोरोना के चलते हुए मेरे हस्बैंड की जॉब दो तीन महीने के लिए नहीं थी, तो घर में फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने उनसे परमिशन ली कि चलो मैं जॉब कर लूँ, तो उन्होंने पहले बहुत मना करा। तो ऑनलाइन जॉब मैंने सर्च करी, उसमें मतलब उसने घर बैठे पैसे कमाए इतने ऐसे ऐसा ये सब कुछ था। हाँ जी, ऑनलाइन जॉब करते, वो ऐप का नाम नहीं लेना चाहती मैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, मेरी कॉल पर बात हुई, उन्होंने बोला ठीक है आप 70,000 डिपॉजिट कर दो, 70,000 डिपॉजिट कर दो, हम आपकी जॉब लगा देंगे, पर मंथ आपको 30,000 रुपये मिलेंगे। ओके, हाँ जी। तो इस बात को भी काफ़ी टाइम हो गया, फिर उनको मैंने घर बुला के 70,000 रुपये दिए कैश। हाँ जी, कैश पकड़ाए। उन्होंने मेरे सामने मेरे हाथ से सिग्नेचर करवाए, सब कुछ करवाया। उसके बाद मैंने उनसे उन्होंने एग्रीमेंट करा, तो इतना मुझे नॉलेज नहीं है एग्रीमेंट वगैरह का। अच्छा, तो है वो अभी आपके पास एग्रीमेंट? नहीं, वो कोई भी कागज नहीं देके गए मुझे। फिर कैसा एग्रीमेंट हुआ? एग्रीमेंट तो आपके पास होना चाहिए था ना, एक कॉपी तो आप ही के पास होगी एग्रीमेंट की। उन्होंने बोला था कि 3-4 दिन बाद आपकी जॉब के लिए कॉल करेंगे, आप जॉब के लिए अप्लाई कर देना। तो वहाँ से कोई कॉल नहीं आया, फिर मैंने ही अपनी तरफ से कॉल करा उनको। तो उन्होंने बोला कि 70,000 तो मैंने बोले थे, आपको 1,00,000 और डिपॉजिट करने हैं। किस चीज़ के? जॉब के? जॉब के लिए, जॉब अप्लाई, जब मतलब जॉब लग जाएगी तो आपको 30,000 महीना मिलेगा, आप 1,00,000 और दीजिए। तो 1,70,000 बोलने लगे वो, 70,000 अलग से सेविंग करके किसी ना किसी तरीके से मैंने दिए थे वो, अब 1,00,000 रुपए और मेरे से मांग रहे हैं। तो मैंने फिर उनको मना करा, मैंने कहा ठीक है मुझे कोई भी जॉब नहीं करनी, आप मेरे 70,000 मुझे वापस कर दीजिए। लेकिन अब वो ये बोल रहे हैं आपके 70,000 तब वापस होंगे जब पहले 1,70,000 आप दो मुझे, आपकी जॉब लगेगी। 1,70,000 और दो या नहीं, 1,00,000 और दीजिए मुझे। 1,00,000 और दीजिए, हाँ आपकी जॉब लगेगी, आप जॉब करिए, उसमें से आपके काट लेंगे। अच्छा, तो वो बंदा जा रहा है ना पैसे लेने के लिए? बुलाया है, इधर ही बुलाया है उनको। हाँ, तो दोस्तों देख लो, पहले इनसे 70,000 रुपये लिए, फिर बोला उसके बाद कि आपको 1,00,000 रुपये और देने पड़ेंगे जब आपको जो मिलेगी, अगर आपको 70,000 रुपये रिटर्न चाहिए तो भी आप 1,00,000 रुपये दो, फिर बाद में आपको 1,70,000 रुपये ऐसे करके रिटर्न मिलेंगे। तो हमने उस बंदे को यहाँ पे बुलाया है, मैंने इनको कल बोल दिया था कि आप उनको बुलाइए कि आप आ जाओ 1,00,000 रुपये लेके जाना, और हमने उनको यहाँ पे बुलाया हुआ है पार्क में, वो शायद 1-1.5 घंटे में आने वाला है कि हमने कॉल भी की थी उसके पास, वो बोल रहा है कि बरसात चल रही है थोड़ा, इस वजह से लेट हो गया है वो। तो हम उसका इंतज़ार करते हैं, जब तक वो नहीं आ जाता है जब तक आप हमारे साथ वीडियो में बने रहो। हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। आपने बुलाया था मुझे पैसों के लिए? वो एक्चुअली पैसे का तो इंतजाम नहीं हो पाया। तो बुलाया क्यों मुझे फिर यहाँ पे? नहीं, एक्चुअली मुझे जॉब अब नहीं करनी, मैंने आपको बोला था फोन पे। मैं क्या पागल हूँ? मैं इतनी बारिश में यहाँ पर आ रहा हूँ, मैं अपनी सारी चीजें छोड़ के आ रहा हूँ, मुझे फाइल सबमिट करनी थी, आपकी फाइल अधूरी पड़ी है वहाँ पे। अगर आप मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं आपका काम कैसे करूंगा? नहीं करनी मुझे, प्लीज मेरे 70,000 नहीं, मैंने बहुत मुश्किल से वो जोड़े थे। निधि बात सुनो, बार बार इतनी आसानी से किसी को जॉब नहीं मिलती, आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, आप छोड़ रहे हो, गवा रहे हो, कल खुद पछताओगे जॉब को लेके। मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ बिल्कुल झगड़ा चल रहा है, मेरे से वो डिवोर्स तक की नौबत आ गई, प्लीज मेरे आप मेरे 70,000 वापस कर दो बस। हाँ, जोड़ने से मुझे नहीं करनी, मेरे को नहीं करनी, दो तब जाके मैं फाइल सबमिट कराऊंगा आपकी। कहां से दूं मैं 1,00,000? 1,00,000 में? मेरी बात सुनो, जो हमारी कंपनी का रूल है वो पूरे फॉलो करने पड़ेंगे। नहीं, आप मुझे सुनो, मेरी बात सुनो पहले। 70,000 1,00,000 रुपए दो मुझे, मैं जाके फाइल आपकी कैंसिल करवाऊंगा, तब जाओ 1,70,000 रुपए मिलेंगे। देखिए हम बहुत रेंट पे रहते हैं, बहुत दिक्कत हो रही है, उनकी भी जॉब नहीं है। मेरी प्रॉब्लम नहीं है वो, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, आपको देने पड़ेंगे और आप दोगे, 70,000 रुपए नहीं मिलने वाले आपको। 70,000 और देने पड़ेंगे आपको। 1,00,000 रुपए कहां से दूं मैं लाके? नहीं दे सकती, उनकी भी जॉब नहीं है, मेरा भी कुछ नहीं हो रहा। आपको 70,000 रुपए चाहिए या नहीं चाहिए? 70,000 रुपए मेरे दे दीजिए प्लीज। जब अरेंज होंगे तो आप मुझे बुलाना, मैं बिना बताए आई हूं घर से, प्लीज 70,000 दे दीजिए। क्यों बता के? जब मैंने आपसे एग्रीमेंट किया था तो मुझे हां क्यों बोला था उस टाइम पे? आपने कोई कागज नहीं दिया मुझे यार। तो एग्रीमेंट तो था ना, कागज था, एग्रीमेंट साइन किए थे आपने, नहीं किए थे? डॉक्यूमेंट दे दिए। मुझे इतना नहीं पता था कि मेरे साथ ये नहीं दिए, मुझे बताओ आपने 10th ऐसे क्लियर कर लिया, आपको पता नहीं है? देखिए प्लीज आप मेरे 70,000 दे दीजिए, मुझे कोई जॉब नहीं करनी। नहीं, अगर आपको 70 चाहिए तो 1,00,000 रुपए और देने पड़ेंगे। बहुत मेहनत से कमाए थे आप, ऐसे मत करिए प्लीज। मेरे हस्बैंड ने मुझे दिए, मैंने अपने इकट्ठे करके दिए। नहीं हो सकता, मुझे कोई मतलब नहीं है। आपको केस करना है केस करो, जो करना है करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जो एग्रीमेंट है हम उस एग्रीमेंट पे चलते हैं, आपको 1,00,000 देने पड़ेंगे तब जाके आपका काम। मैं 1,00,000 रुपए
हाँ जी भैया, कौन हो आप? कौन से एग्रीमेंट पे चलता है भैया? आप हो कौन पहले ये बताओ, एग्रीमेंट पे कौन से पे चलता है यार भैया? आप हो कौन, हमारे बीच की बात है आपकी बोल? कौन से बीच की बात है? हमारी जॉब की बात चल रही है। कौन सी जॉब की चल रही है? अभी हमने ऑनलाइन जॉब स्टार्ट किया है उनके। अपना कार्ड दिखा, कौन सा ऑनलाइन जॉब का किया, कार्ड दिखा अपना। आप ऑनलाइन सर्च कर लो, कार्ड लेके नहीं आया मैं, सीधा ऑफिस में आ रहा, घर से आ रहा हूँ मैं, बारिश होती है इसलिए घर से आ रहा हूँ मैं। ऑनलाइन में तो नरे फ्रॉड बैठे होते हैं, फ्रॉड बैठे होते हैं, तू भी फ्रॉड है। मैं कहाँ से फ्रॉड हूँ, मैंने फुल सिग्नेचर सब कुछ करवाया है। तू कंपनी का ओनर है? नहीं ओनर नहीं हूँ, एम्प्लॉय है। हाँ जी, कौन सी कंपनी है? तेरे को क्या लेना देना उस कंपनी से? मेरे को सारा लेना देना। क्यों लेना है? इसके पैसे रिटर्न कर सकते हो? कौन से पैसे? कौन से पैसे? तो मार कैसे रहा तू? कौन से पैसे? हाथ बदलाओ मेरे को। नहीं नहीं सर, आराम से सर, आराम से बोल दीजिए। मार क्या रहे? और क्या लगाऊं मैं? क्या लगाऊं तेरे को मैं? मार 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 क्यों रहा मेरे को? क्या करूं तेरे को मैं? मार क्यों रहा? क्या और मेरे आराम से बोल दीजिए। आप मेरे 70,000 दे दो, मुझे कोई जॉब नहीं। हमारे बीच बोलने का इसके पैसे नहीं दे रहा। 70,000 रुपए नहीं चाहिए, पैसे दूं? दे दीजिए प्लीज बस। आप कौन से पैसे देगा? कौन से पैसे देगा? बताऊ कौन से पैसे दे दो? क्यों आप इतना करवा रहे हो? पैसे दे दो बस, मेरे पैसे वापस। क्या तू मार रहा है मेरे को? पैसों के लिए मार रहा हूँ मैं तेरे को। कौन से पैसे? छाती पे लात क्यों मार रहा है? छाती पे पता नहीं कहाँ का लात मारूं इसके पैसे। थैंक यू प्लीज मेरे को यार। कोई कागज नहीं दिया मुझे उस टाइम जब एग्रीमेंट कराया। अरे दिया यार सब कुछ। करा तू कौन सी कंप्लेंट करा? तू कौन सी कंप्लेंट कराएगा? कौन सी कंप्लेंट कराएगा? उसको मना करो मारे ना। कौन सी कंप्लेंट कराएगा यार? क्यों मार रहा है मेरे को? आप मेरे पैसे दे दो, ये सब नहीं होगा। बात करो, मैं समझाता हूँ आपको। कुछ नहीं पता हमारे बीच क्या बात हुई है। आजा नीचे बैठ, नीचे बैठ, यहाँ पे नीचे बैठ। क्यों नीचे क्यों बैठूं? मैं मेरे सिर पे बैठेगा, मेरे सिर पे बैठेगा, बैठूंगा मेरे सिर पे बैठेगा। क्या टेबल बैठ के बात कर रहे हैं ना? नीचे नीचे बैठ, नीचे नहीं बैठूंगा, नीचे नहीं बैठेगा, पैसे मांग लीजिए बस, मेरे पैसे मुझे मिल जाए। आप इधर कोई बात नहीं, आप मेरे पैसे दिलवा दीजिए बस इससे। नीचे बैठ। पैसे क्यों नहीं दे रहा इसके भैया? हाँ हमारे ऑफिस में ऑनलाइन जॉब चलती है। अच्छा, इनका मैंने फॉर्म फिल कर दिया, सब कुछ कर दिया है। अच्छा, मैंने इनसे 170,000 की बात करी थी। कितने की बात? 70,000 की बात करी थी। मेरे पास बकायदा रिकॉर्डिंग भी सब कुछ है, फोन रिकॉर्डिंग सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास। बहुत देर लग रही है यार, खड़ा इधर आ। कितने पैसे की बात हुई थी? 70 की बात हुई थी। 70 की बात हुई थी ना? हाँ। फिर 170,000 क्यों बोल रहा है? उसके बाद कंपनी का रूल बदल गया। तेरी कौन सी कंपनी है, क्या काम है? नाम बताऊं? नाम क्यों बताऊं? और क्या बताएगा तू? सर मेरे पैसे दिलवा दीजिए इतना बस। भाई बहुत मार दिया यार। भाई इसके पैसे रिटर्न कर। मेरे पास नहीं है कोई पैसे। कहाँ है? मैं कोई पैसे रिटर्न नहीं कर सकता, मैंने अपनी कंपनी में लगा दिए। तू पैसे ले, कोई रूल नहीं है पैसे वापस करने का। ये बात साइन करते हुए मैं सारी बात इनको बताई थी, सारी बात क्लियर करी थी। वो साइन एग्रीमेंट कहाँ है? वो कंपनी में जमा है। इसको क्यों नहीं दिया एग्रीमेंट की एक कॉपी? इसको क्यों नहीं दी? इनको मुझे ट्रस्ट नहीं है क्या, भरोसा नहीं है क्या? तेरे पे कौन भरोसा करेगा? कौन भरोसा करेगा तेरे पे? खड़ा हो तू। सर भाई इनसे मेरे पैसे दिलवा दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मार क्यों रहे हो यार? मार क्यों यार? मेरा घर खराब हो जाएगा, मेरा घर खराब हो जाएगा, मेरा घर खराब हो जाएगा। आप नहीं समझ रहे। आप बैठ जाओ यहाँ पे, आप बैठ। और जो मेरी जिंदगी खराब होगी, कंपनी वाले निकाल देंगे मुझे। अभी मैं 3 महीने की सैलरी नहीं आई मेरी कंपनी से, मैं क्या करूंगा यार? कंपनी से निकलेगा नहीं, तू कंपनी में जाएगा। मेरा कौन सी कंपनी में जाएगा? तिहाड़ कंपनी में जाएगा। भैया ऐसा क्या कर दिया मैंने? ऐसा क्या कर दिया? तैयार की जाओ, सारी फिल्म बन रही है, देख उधर पैसे। भैया ऐसे बंद करवाओ यार, बैठ जा आराम से। क्या करवा रहे हो दीदी? आराम से इसे बैठ जाओ, ये बंद करवा दो प्लीज, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। जिंदगी और जो तू ये करने लग रहा है, ये जो तू कर रहा है, ये सर मेरे पैसे दे, आप सर रहने दीजिए, सर पैसे दिलवा दीजिए, छोड़िए आप। यार भाई मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, मेरी लाइफ खराब हो जाएगी, मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। इसको पैसे देगा या क्या करेगा? मैं सब दे दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। इसको बंद करवा दो, उसको बंद करवा दो। फोन निकाल। कौन सा फोन? जो तेरा फोन है वो फोन निकाल। भाई फोन क्यों दूं अपना? फोन निकाल, फोन निकाल, फोन निकाल। ये लो
इसका आप लेके रहे हो, दिखा दे रहा फोन, छोड़ छोड़ क्या क्या फोन रखो वो अपने पास, ये क्या कर रहे हो, इसलिए बुलाया था मेरा फोन छीनने के लिए, मुझे लूटने के लिए, अपने फोन पे फोन करना ठीक है, तेरे पास शाम तक का टाइम है तो नहीं तो तेरे फोन से ही तेरे घर तक आ जाएंगे हम, फोन नहीं दोगे मैं पैसे कैसे लूंगा, मैं हमारे को नहीं पता, पैसों का जुगाड़ कर और तू पैसे लेके आ, सारे कॉन्टेक्ट उसके अंदर है, सारी डाटा उसके अंदर है, कुछ भी रहने दे, अपनी कंपनी में जा कहीं से लेके आ ठीक है ना, मेल से दूसरे किसी के फोन में डाल, रिकवरी कर अपने कॉन्टेक्ट नंबर ठीक है ना, तेरी कंप्लेंट होएगी, सारी चीज हमने फिल्म बना ली है, ये आप इसको बंद कर दो, आपको जितने पैसे सारे दे रहा हूं मेरे को, आप मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं थोड़ा टाइम दो, थोड़ा टाइम दो, चल यहां से साला, आप कैसे को ऐसे कौन ऑनलाइन जॉब देता फ्री पे, ऐसे थोड़ी ना कोई जॉब मिलती है, ओए पैसे लेगा पिटेगा, ओए पिट जाएगा जाएगा, फोन दे मेरा, फोन दे मेरा, फोन देता हूँ तेरा, फोन देता हूँ तेरा, चल पुलिस स्टेशन में आओ वहीं पे बात करते हैं, अच्छा नहीं हो रहा, चल तू चल दीदी चल।